मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज करो कि मैंने एक लैंड खरीदा 20 साल पहले 40 लाख का, और आज की डेट पे उसकी जो मार्केट वैल्यू है, बेच नहीं रहा हूं, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो एक बात बताओ, मेरी बुक्स के अंदर मैं उस लैंड की वैल्यू क्या दिखाऊं? क्या मैं उसको 40 लाख पे दिखाऊं या फिर मैं उसको 1 करोड़ पे दिखाऊं? तो देखो बच्चों, अकाउंट में मैं उसकी वैल्यू कितने पे दिखाऊंगा? 40 लाख पे दिखाऊंगा। हाँ, अभी AIF आ चुके हैं जिसमें मैं उसको 1 करोड़ पे दिखा सकता हूं, पर आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉस्ट प्रिंसिपल। आपने पढ़े होंगे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप जो भी एसेट एक्वायर करो, जितना आपने उसको पे किया उतने पे आप रिकॉर्ड करोगे। आपने लैंड 40 लाख पे लिया ना, तो बुक्स में उसको 40 लाख ही दिखाओगे, ना कि उसकी करंट मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए। हाँ, मार्केट में वो 1 करोड़ रुपए बिकने को तैयार है, यही तो लिमिटेशन है अकाउंट्स का, कि जहां पे भैया मेरे मार्केट में 1 करोड़ रुपए बिकने को तैयार है, पर मैं बुक्स में क्या दिखाऊंगा? 40 लाख ही दिखाऊंगा, बिकॉज वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है, ठीक है ना। द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंट, जितनी भी मैं अकाउंटिंग करता हूं। तो एग्जांपल के लिए मैंने 2019 में लैंड खरीदा 40 लाख में, तो यहां पे मेरा एसेट कितने का आएगा? 40 लाख का आएगा कि मैंने एसेट 40 लाख का खरीदा। सिमिलरली अगले साल उसकी मार्केट वैल्यू 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लैंड वो 40 लाख में दिखाऊंगा। अरे भैया, मैंने तो 40 लाख पे किए ना उस लैंड के, तो अगर मैंने 40 लाख पे किए हैं तो मैं उसको अकाउंट में 40 लाख में दिखाऊंगा, ना कि 50 लाख में दिखाऊंगा। मार्केट वैल्यू 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 में उसकी मार्केट वैल्यू 54 हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लैंड को क्या मैं बुक्स में दिखाऊंगा? 40 लाख में दिखाऊंगा। फिर 31 मार्च को फिर उसकी मार्केट वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इग्नोर करूंगा, मार्केट वैल्यू को टोटली इग्नोर करूंगा। सिमिलरली इस दिन भी मैं मार्केट वैल्यू इग्नोर करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मार्केट वैल्यू अभी 62 लाख है। क्लियर है, समझ में आया? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि लैंड की मार्केट वैल्यू हम वही दिखाएंगे जो हमने जितने पे खरीदा है बुक्स के अंदर। अकाउंटिंग बुक्स की बात कर रहा हूं मैं, ओके, वी विल इग्नोर द मार्केट वैल्यू कंप्लीटली। द मार्केट वैल्यू इंक्रीज एंटरप्राइज विल नॉट रिकॉर्ड एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं जिसके अंदर मैं मार्केट वैल्यू दिखा सकता हूं, पर अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द कॉस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिविटी लाता है। अरे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि भैया कि ठीक है भैया, मैंने जितने खरीदा उतने में दिखाऊंगा। अगर सपोज करो कोई कंपनी दिखाने लग गई कि भैया मेरी लैंड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू 80 लाख की हो, भाई साहब तो 1 करोड़ रुपए क्यों दिखा रहा है? कोई प्रूफ नहीं है ना। 40 लाख का तो मेरे पास प्रूफ है ना भैया, मेरी कोई डीड साइन किया हुआ है, मेरे पास एक एग्रीमेंट है, स्टैंप ड्यूटी है कि 40 लाख का मैंने लैंड खरीदा। मार्केट वैल्यू आप बोलोगे 1 करोड़, मैं बोलूंगा 1 करोड़ 25 लाख, कोई बोलेगा 80 लाख, तो यहां पे डिफरेंस आ जाता है, पर्सनल ओपिनियन आ जाता है। अकाउंट ये चीज अवॉइड करता है, जितने पे खरीदे उतने पे आप रिकॉर्ड करोगे। और एक बात कि जब आप कोई एसेट खरीदते हो तो उसके अंदर इंस्टॉलेशन खर्चा भी इंक्लूड करोगे। एग्जांपल के लिए मैंने एक एसी खरीदा, कितने खरीदा? 45,000 का। अब एक बात बताओ, एसी खरीद के मैं अपने रूम में ले आया तो क्या वो चलने लग जाएगा, खुद ही लग जाएगा दीवार पे? वो उसका यूजेबल कंडीशन कब तक आएगी? जब तक वो मेरी दुकान पे या मेरी फैक्ट्री में आया नहीं। तो मेरी फैक्ट्री में लाने खर्चा मैंने जो ट्रक वाले को 1,000 रुपए पे किए, भैया आया मेरे घर पे ले आओ, 1,000 रुपए पे किए, और मैंने इंस्टॉलेशन वाला इंजीनियर आया, उसने कॉपर वायर एंड ऑल स्टफ लगाया और 4,000 रुपए उसने मेरे खर्चा करा दिया। तो टोटल मेरा एसी को वर्केबल कंडीशन बनाने में, वर्केबल का मतलब होता है यूजेबल कंडीशन बनाने में, मेरा टोटल जो एसी का खर्चा आया वो 45 नहीं आया, 45 प्लस ट्रांसपोर्टेशन के बिना एसी आएगा नहीं, प्लस इंस्टॉलेशन के बिना एसी यूजेबल नहीं आएगा। तो टोटल जो खर्चा हुआ वो 50,000 हुआ, ना कि मेरा 45,000। तो एसी मैं अपने बुक्स में 50,000 पे दिखाऊंगा, ना कि मैं 45। क्लियर है? तो जब मैं एसी खरीदूंगा तो मैं एंट्री करूंगा एयर कंडीशनर डेबिट टू, सपोज करो मैंने कैश पे किया 50,000, ना कि 45,000, बिकॉज मेरा एसी अल्टीमेटली 50,000 का पड़ा हुआ है। क्लियर है, समझ में आया? चलो एक फटाफट क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक मशीनरी खरीदी 70,000 की, उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा और इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा 6,000 रुपए, कितने पे? ऑल पे
ट्रेडिंग किया है उसकी जर्नल एंट्री करो। अरे भैया मैंने मशीन खरीदी ना, हाँ सर मशीन कितने की है, सर मशीन है 70,000 की, बिना यूज बिना मेरे फैक्ट्री में आए हुए मशीन की कोई वैल्यू है क्या? नहीं सर कोई वैल्यू नहीं है। तो मशीन का कितना खर्चा हुआ? सर 4,000 रुपीज खर्चा हो गया, प्लस उस पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लग गया, कितना लग गया सर 6,000 रुपये लग गया। तो टोटल 70 + 10 इज इक्वल टू 80,000 की मेरी मशीनरी पड़ी और मैंने कैश पे किया 80,000 रुपी। मशीनरी मेरा एसेट है, एसेट होता है डेबिट, और कैश मेरा एसेट है वो मेरा कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री होगी मशीन डेबिट, मेरी एंट्री होगी मशीन डेबिट टू कैश, और वो 80,000 से होगी ना कि 70,000 से, बिकॉज बिना मशीनरी को इंस्टॉल्ड किए मेरा मशीनरी की वैल्यू कुछ नहीं है। मशीनरी खरीदी उसका मैंने खर्चा जितना भी लगाया उसका मशीनरी अकाउंट के अंदर जाएगा 4,000 and 6,000 रुपये। क्लियर है, समझ में आया? तो मैंने ये एंट्री कर ली, ओके। और मेरी बुक्स में जो मशीन आएगी वो कितने की आएगी? वो 80,000 की। अब भले ही उसकी मार्केट वैल्यू 1,00,000 रुपये हो या 30,000 हो, मुझे कोई मतलब नहीं, वो बुक्स में 80,000 की दिखेगी। हाँ ये बात ध्यान रखना, कॉस्ट कंसेप्ट डज नॉट मीन कि वो हमेशा मैं एक्विजिशन में कॉस्ट पे दिखाऊंगा, उसको मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। आप बोलोगे सर इसको तो आप हमेशा 80 पे दिखाओगे क्या? नहीं मैं हमेशा 80 पे नहीं दिखाऊंगा, अगले साल जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो भैया मैं मशीन पता कितने पे दिखाऊंगा। सुनो मैंने मशीन कितनी खरीदी 80,000 की, तो कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है 80, बट मेरी हर साल मैं मशीनरी यूज करता हूँ उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, वैल्यू कम होती है, और जैसे जैसे मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो सपोज करो उसकी जो उसका जो डेप्रिसिएशन लगा 20% लगा 20%, तो 16,000 रुपए मेरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो 64,000 मशीनरी दिखाऊंगा। मतलब 80 की मशीनरी खरीदी, 20% उसकी एक साल मैंने यूज की उसका आप गाड़ी खरीदते हो 10,00,000 की, तो एक साल के बाद क्या 10,00,000 की बिकेगी क्या? 8,00,000 6,00,000 5,00,000 में बिकेगी। यहां पर मशीनरी 80,000 खरीदी पर 20% उसकी वैल्यू कम हो गई है, 16,000 रुपए 64,000, और ये जो 16,000 है ये मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कि मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। तो इस साल मैंने मशीनरी यूज करने का मेरा खर्चा मेरा 16,000 रुपए है। क्लियर है? सब कम से समय में आया? कम से समय आया तो लाइक करो ना, आप लाइक करोगे तभी तो मैं ग्रो करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, यार सभी लोग बोलते हैं मैं भी बोल देता हूं। एंड जेफ अकाउंट फंडा मेरा ये चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, पूरा कोर्स मेरा अवेलेबल है accountfunda.com पे। यस 100% कोर्स कवर है 11th का एंड 12th का, 12th का 1000 क्वेश्चन, 11th के 400 क्वेश्चन, टोटल 400 घंटे कंटेंट अवेलेबल है accountfunda.com पे। खरीद लो अगर आप लेक्चर खरीद सकते हो, अच्छा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। एंड जेफ सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।